दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, सावन के किसी भी सोमवार शिवलिंग से चुपचाप उठा लाएं, यह गुप्त चीज होगी मनोकामना पूरी। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार में बनी रहेगी। दोस्तों घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सावन के सोमवार का बहुत ही अचूक उपाय और रामायण उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान और काफ़ी शक्तिशाली और चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों शिव जी की कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार में कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, जिन्हें करने से शिव जी की कृपा दृष्टि पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय। साथ ही सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग से कौन सी चीज़ आपको उठाकर लानी है और उसका क्या करना होगा। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए कल की कथा का बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको सावन के किसी भी सोमवार के दिन करना होगा। ठीक है दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको दो साबुत लौंग लेनी होंगी और साथ में आपको कुछ काले तिल लेने हैं और एक बेलपत्री जो कि कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम साबुत बेलपत्री आपको लेनी होगी। साथ में दोस्तों जो शहद की छोटी वाली शीशी आती है 10 रुपये वाली, वो शीशी आपको लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको एक तांबे का पात्र लेना है अपने घर से, तांबे का लोटा ले लें। ठीक है, उस लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। उस जल में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं, साथ में एक देसी का दीपक लेना है जिसमें आपको गोल वाली बाती रखनी है, उस दीपक में भी थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं। अब दोस्तों आपने जो है सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके पूजा की थाली में सजा करके अच्छे से अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में पहुँच जाना है। वहाँ जाकर दोस्तों आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तभ्यम कहते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आपको शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा जल आपको उस लोटे में रोक लेना है। लोटे को आपको खाली घर पर लेके नहीं आना है, आपको थोड़ा सा जल उसमें रोक लेना है। अब देखिए, उसके बाद आपको करना यह है कि आपने जो दीपक लिया हुआ है, दीपक को आपको शिवलिंग के सामने जला देना है। दीपक जलाकर शिवलिंग के ऊपर से आपको 5 बार गोल गोल घुमाकर दीपक को शिवलिंग के पास रख देना है। अब आपने जो शहद लिया दोस्तों, शहद में आपको एक लौंग को डुबोना है और फिर उस लौंग को आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम कहते हुए अपनी कामना को बोल दें और फिर शिवलिंग के ऊपर उस लौंग को रख दें। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरी वाली लौंग भी शहद में डुबोनी है और उस लौंग को डुबोकर आपको माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, जहाँ से जलाधारी बहकर आती, डंडी वाला भाग होता है दोस्तों, उस जगह पर आपको अशोक सुंदरी माता को एक लौंग अर्पित कर देनी है अपनी कामना को कहते हुए। अब देखिए, उसके बाद आपने जो बेलपत्री ली है, उस बेलपत्री के ऊपर आपको बीच वाली और बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती पर शहद से ओम बनाना है। ठीक है, ओम बनाकर उस बेलपत्री को भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब देखिए, जब आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री अर्पित करें तो दोस्तों उसका जो डंडी वाला भाग होता है वो आपको अपनी तरफ रखना है और जो बीच वाली पत्ती का जो बड़ा वाला भाग होता है वो आपको खुद से जो है विपरीत तरफ रखना है, जिस तरफ आप खड़े हों उससे उल्टी दिशा में। ठीक है, इस तरीके से बेलपत्री आपको चढ़ानी है। अब दोस्तों आपको कुछ देर के लिए मंदिर में ही बैठ जाना है या फिर खड़े होकर आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का 11 बार या 21 बार या 108 बार जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी देर तक आपको इस मंत्र का जप करना है। अगर आप इस मंत्र को पढ़ नहीं सकते हैं या फिर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप साधारण सा मंत्र बहुत ही शक्तिशाली ओम नमः शिवाय इसका भी जप कर सकते हैं, फिर भी आपको इस मंत्र का अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जब आप घर पर चलने के लिए हों, ठीक है, तो उस समय आपको शिवलिंग से एक बेलपत्री उठा लेनी है जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हो। साथ में आप कोई एक फूल शिवलिंग से उठा लें और दोनों चीज़ों को अपने घर ले आएँ। अब देखिए, घर आकर आपने जो अपने लोटे में थोड़ा सा जल रोका था, उस जल को आपको अपने मेन दरवाजे पर छींट देना है और पूरे घर में थोड़ा सा जल आपको छींट देना है।
उसके बाद दोस्तों जो आपने बेलपत्री और एक फूल आप शिवलिंग से उठाकर लाए थे, उस बेलपत्री और फूल को एक लाल कपड़े में बांधकर उसे आप अपने घर के तिजोरी या गले में रख दें। दोस्तों इस फूल और पत्ती को आपको अगले सोमवार आने तक अपने घर के तिजोरी में रखे रहने देना है। फिर अगले सोमवार को भी आप इसी तरीके से इस उपाय को करके इन फूल और पत्ती को बदल दें। और जो तिजोरी में रखी हुई फूल पत्ती है दोस्तों, इन्हें आप किसी बहते हुए जल में या फिर किसी स्वच्छ स्थान पर प्रभावित कर दें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि आती है, साथ ही आपकी जो भी कामना होती है वो माता अशोक सुंदरी और महादेव जल्दी से जल्दी पूरा कर देते हैं। आप देखते हैं कि आपके घर में जो भी समस्याएं चली आ रही थी वो समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।